चीजें छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती है तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज। बंद करिए इसे। जी 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 मैडम। क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया है। बुलबुल पांडे आप चुप रहे। करिश्मा सिंह हाँ, हमने ऐसा ये तो सब झूठ दिखा रहे हैं। बात ऐसी नहीं हुई थी मैडम। सर आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? देखिए आप हमारी बात समझ। हाँ या ना मैडम सर? हाँ हमने आपसे कहा था ना मैडम सर, एक और धोखा मिलेगा हमें तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। करिश्मा सिंह आप हमारी बात नहीं, एकदम सही किया आपने मैडम सर, इसी लायक हैं हम। हाँ पुष्पा जी बहुत सही किया, हम हैं ही नहीं काबिल, हम बन ही नहीं सकते हैं कभी काबिल। सही किया मैडम सर आपने, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह देखिए आप। अरे सुनिए तो सही, ये क्या ये सब? आपको कुछ हुआ मैम? एक मिनट, अभी हमें किसी से बात नहीं करना, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ क्या मैडम? हमने कहा ना हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें किसी से बात नहीं करना नहीं तो मार डालेंगे सबको। ये आपके लिए मैं सुन रहा हूँ, देखिए। हम बहुत मानते हैं आपको मैडम सर, बहुत 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 ज्यादा मानते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन कभी जताया बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा मैडम सर। आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इन्फॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। बस आप ही का सहारा है हमारी बहू रानी को शांत रखना। अब इतना सब कुछ कल हो गया है, पता नहीं अब क्या चल रहा होगा उनके गर्म दिमाग में। वैसे भी उनकी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं हमने, शायद इसे खाने के बाद उनका मूड ठीक हो जाए। अम्मा क्या बना दिया ऐसा हमारे कमरे तक, सारा हमारा मनपसंद चीज बनाया आपने। अम्मा आप खाएंगे, अभी खाएंगे, हमसे नहीं रुका। हाँ खाओ ना। जान मुझ के बनाया ना आपने हमारा सारा मनपसंद चीज। अच्छी लगी? क्या आलू पूरी सब्जी बनाई है आपने अम्मा, मजा आ गया।
आई लव यू। देखा, हम तो खामखा परेशान हो गए थे। अच्छा लगा तुमको देखकर कि कल वाली जो भी बात हुई दिल पे नहीं ली, और ये देखकर भी अच्छा लगा कि आप समझ गई कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें मैडम सर की कोई गलती नहीं है। कौन मैडम सर? हाँ, कौन मैडम सर? किसका बात कर रही हैं आप? खीर, खीर भी बनाया आपने? अरे क्या, कौन मैडम सर? अपनी मैडम सर, हसीना मैडम, और कौन? किसका बात कर रही? हम नहीं जानते कौन हसीना मैडम। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मैडम सर को नहीं जानती? हमारी तबीयत एकदम चौकस है और ये खीर भी एकदम चौकस है। और 8 बज गया है, पुष्पा जी फटाफट जाते हैं, हम थाना में लेट जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। आ जाइए, शाम को मिलते हैं आपसे। अरे मगर अपना डब्बा तो लेके जाइए ना, और हमें भी तो साथ में लेके चलिए। मलाइका, हम भी निकल रहे, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हाँ, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं आप? पहले हमें हमारे थाने छोड़ दीजिए, फिर आप आगे चले जाइए। काहे मतलब? अरे हमें देर हो रही है ना, आप उसी तरफ जा रही हैं, छोड़ दीजिए। अब अपनी सास के लिए इतना भी नहीं कर सकती आप। कौन सास? कौन सास? आप अपनी सास को भी भूल गए क्या? नहीं पुष्पा जी, हम अपनी सास को नहीं भूले हैं, लेकिन हम आपको कुछ बता रहे हैं अभी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए सीरियस वार्निंग है। हाँ, आप है सास हमारे लिए घर के अंदर, लेकिन बाहर इस वर्दी में रिश्तेदारी का लिबर्टी खत्म। बाहर आप हमारे लिए हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह महिला थाना जनपद लखनऊ है, और हम आपके लिए SI करिश्मा सिंह थाना प्रमुख जानकीपुरम है। बस इस रिश्ते से इंच भी इधर उधर हुआ ना पुष्पा जी, तो मैया कसम हम आपका ऐसी जगह पर ट्रांसफर करवा देंगे कि वहां आपको गोलगप्पा तो क्या, आपको हवा का फुग्गा भी खाने को नहीं मिलेगा। तो अब ये जो रिश्तेदारी का चम्मच है ना, ये मैडम सर की कड़ाई में जाके आप चलाइए, यहाँ नहीं, हमसे थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये टिफिन तो लेके जाइए, इतना प्यार से बनाया आपके लिए आलू पूरी। आपने अपनी बहू के लिए बनाया था, बहू ने खा लिया, तारीफ भी की, इतना अच्छा बना था कि आपको एक पुच्ची भी दे दी। अब हम बाहर हैं घर से। तो क्या बात कर रही है पुष्पा जी, ऐसा बोली करिश्मा मैडम? और नहीं तो क्या, और बिना टिफिन लिए चली गई। अरे तो फोन करना चाहिए था ना पुष्पा जी, मैं अपना टिफिन नहीं लेकर आती। पुष्पा जी ये जी, मैडम सर, मैडम सर, आपको नहीं लगता आपको करिश्मा मैडम से एक बार बात करनी चाहिए? नहीं पुष्पा जी, करिश्मा सिंह फिलहाल गलतफहमी के इतने बड़ी खाई में जाकर बैठी है ना कि कोई भी रोशनी उन तक नहीं पहुंचेगी। हमको तो गुस्सा आ रहा है उस कमीन इंसान पर जिसने आपका ये ऑडियो क्लिप जो है वो रिलीज कर दिया। ससुरा खून खौल रहा है उसके बारे में सोच सोच कर, जिसने राम बलराम का जोड़ी में दरार डाल दिया है। हमारे हाथ में आ जाए ना तो उसका गर्दन पकड़ के ऐसा घुमा दें। अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए, जब आपने ये बात कहा था, मतलब जिसी भी भाव से कहा था, जिसी भी इमोशन से कहा था, आपके साथ में कौन कौन था? हाँ हाँ मैडम सर, बता दीजिए। क्या पता इस बात से कोई नई बात सामने आए और कहानी एकदम से घूम जाए। उस वक्त तो हम सब थे मैडम सर के साथ, और मैडम सर ने ये जो कुछ भी कहा हम सबके सामने ही कहा। हाँ। हाँ। क्यों? अच्छा, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग में से ये सब कोई लीक किया है ये वाला ऑडियो? हम ऐसा कहाँ कह रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है होने को तो। अरे लालच के हवा का क्या भरोसा, कब किसकी तरफ घूम जाए। हाँ हाँ, शक की सुई का क्या है, कभी उधर कभी इधर भी घूम सकती है। ये सच की हवा है, कोई भी खा सकता है। अरे थाना अब हमारा भी है, ये सच का हवा हम खाएंगे। बिल्लू, पुलिस ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं? सॉरी बोलो। सॉरी सर। जाओ अंदर, जाओ जाओ, काटना मत, जाओ अंदर। और मिस्टर बुलबुल पांडे, मैडम हमें अपनी टीम पर बहुत भरोसा है, इंक्लूडिंग बिल्लू चंपत।
ये काम इनमें से किसी ने नहीं किया, और ये काम किसने किया है इसके बारे में हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चाय पिला बदना। पुष्पा जी, उधर देख। नवाब साहब, आप? पुष्पा जी, अरे ये क्या हो गया? क्या हालत हो गई है आपकी? छड़ी आपकी गाड़ी से सीधा साइकिल और गाड़ी बेच के इतनी रकम मिली? पुष्पा जी, मेरे दिल के चालों को मत फोड़िए, वरना मेरे ना अश्कों के सागर से ना आप ये थाना जो है ना वो बह जाएगा। मेरी बड़ी स्थिति खराब हो गई है पुष्पा जी, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। पुष्पा जी, आप ना हमारा किराया दिलवा दीजिए। हम क्या कह रहे हैं ना कि अगर पूरा ना दे सको ना तो कह दो कि आधा ही देते हमको, हम ना अपने दिल के दर्द को लेके यहाँ चुपचाप चले जाएंगे। नवाब साहब, एक मिनट, हम आधा किराया पहले ही दे चुके हैं। क्या? हाँ, ये आधा किराया आपने दे दिया? अरे किसको दे दिया, कब दे दिया, हम तो अभी आए हुए। अरे क्या बात कर रहे हैं नवाब साहब, आपका लड़का आया था ना वो रईस, अरे वो नालायक यहाँ आया था। अरे आपने उस नामाकूल को पैसा क्यों दे दिया? हसीना मैडम, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पूत सपूत तो कहा धन संचय, और पूत कपूत तो कहा धन संचय। अगर औलाद काबिल होना तो वो अपना धन खुद कमा लेगी, लेकिन अगर हमारे साहबजादे की तरह कोई नालायक औलाद हो तो घर पे रखा हुआ जो धन है ना वो भी वो बर्बाद कर देगा। देखिए नवाब साहब, लेकिन जो इसके इतने महंगे महंगे शौक हैं, जो ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल है, ये जो कपड़े घड़ियां ये सब खरीदता है, वो कहां से लाता है उसके पैसे? अरे वो पैसे वैसे तो कुछ नहीं खरीदता है मैडम जी। अरे पुष्पा जी, क्या है ना कि वो ना सब कुछ ईएमआई पे लेता है। अरे उसके पास बहुत से क्रेडिट कार्ड है और उनसे सामान खरीदता है, उसकी ईएमआई बनवाता है, और उसके बाद ना एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, अरे यही करता रहता है वो। नहीं नहीं, मगर ये पैसे कभी ना कभी तो चुकाने पड़ते ही है ना। हाँ। ये क्रेडिट कार्डों का हेर फेर कब तक चलेगा? अरे उसके लिए तो हम है ना उसके वालिद, उसके डैडी, उसके पापा, और सबको ये पता है ये जो औलाद है ये हमारी है, इसीलिए सब लोग उसको उधारी दे देते हैं, और उसके बाद वसूलने के लिए वो सब हमारे हवेली चले आते हैं। तो आप उसके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सारे ब्लॉक करवा दीजिए, तो फिजूल के खर्चे ही नहीं होंगे। अरे किया था ना, सब कुछ किया था मोहतरमा। अरे हमने ना उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हमने सब बंद करवा दिया था, इसीलिए तो यहाँ पहुंच गया, और आप लोगों से झूठ बोल के वो पैसे लेके चला गया। अरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। नवाब साहब, पुष्पा जी, सारी गलती आपकी है, आपको देखकर ही तो सीखा है वो ये सब कुछ। आप क्या कम खर्चे करते हैं? नवाब है क्या कहीं के? नवाब ही तो है पुष्पा जी। पुष्पा जी, नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से ही तो सीखते हैं। आज वो वही कर रहा है ना जो उसने कल होते हुए देखा है। पुष्पा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं गलती की है, उसी तो सुधार रहा हूँ मैं। तब देखिए, मैं इसी तरह के कपड़े पहन के घूमता हूँ, कार की जगह पे मैं साइकिल से घूमता हूँ, ताकि हमारा लड़का देखे और सुधरे। नवाब साहब, पुष्पा जी, एक कहावत है कि आदमी को उतना पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर। मैडम जी, हमारी आपसे गुजारिश है कि हम तो उसको सिखा नहीं पाए, अब आप उसको सिखा दीजिए। एक मिनट नवाब साहब, आप क्या चाहते हैं कि मतलब हम लोग आपके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिख लें? ना ना ना, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ऑफिशियली तौर पर नहीं बल्कि जातीय तौर पर इस मामले को सुलझाया जाए। मैडम जी, सुलझाएंगी ना? हाँ हाँ, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अरे नवाब साहब, हम यहाँ आप ही के लिए तो बैठे हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम पुलिस हैं, पुलिस आम जनता की मदद करने के लिए तो यहाँ बैठी है, वो ऐसे आ रहे थे। हम करेंगे, हसीना मैडम आपकी मदद करेंगी, करेंगी ना मैडम सर आप मदद? हाँ हाँ पुष्पा जी, अब आप कह रही है तो मदद करनी पड़ेगी। नहीं देखिए नवाब साहब, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम सोचते हैं, हम निकालते इस बात का कोई सलूशन, ठीक है? जी जी, शुक्रिया।
मैडम सर एक बात समझ नहीं आई, रईस को पैसों की जरूरत थी तो हमने उसे किराया दिया, पर याद कीजिए करिश्मा मैडम ने क्या कहा था कि वो उन्हें वापस पैसे लौटाने गया था। रेंट मांग रहा? हाँ, क्यों? नहीं, उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है। तो अगर उसे पैसों की इतनी जरूरत है, ईएमआई भरनी है, तो करिश्मा मैडम को वापस पैसे क्यों लौटाने गया? आया, आया, आया। आ जाओ नीचे, आ जाओ जरा। बहुत भगाया है तुमने हमें, बहुत। 4 महीने से तुमने गाड़ी का ईएमआई नहीं भरा। लाओ गाड़ी की चाबी। रुक लगा हुआ है, रोकिए ना। सामने देखिए, नहीं दूंगा ना पैसे। प्लीज सर। भागा जा रहा हूँ। हैं? अरे भाग ही तो रहे हो तुम, और हमें भी भाग भाग के आधा कर दिया है। तुम हमें गाड़ी की चाबी, चाबी दो। चाबी नहीं दूंगा सर, चाबी नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें चाबी नहीं दोगे तो क्या हम गाड़ी नहीं लेके जा सकते? हम फिर भी ले जाएंगे। लेकिन कैसे ले जाएंगे सर? थक्का मारो। अरे सर ऐसा क्यों करे सर? अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर इधर इधर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो बड़े टेंशन में लग रहे हो सर। नहीं नहीं, टेंशन वाली क्या बात है, ये तो ऐसा ही करिश्मा सिंह है ना, इन्हें कैसे जानते हो तुम? मैं इन्हें कैसे जानता हूं? ये फोटो देख के तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं इन्हें कैसे जानता हूं? मुंह बोली बहन है मेरी करिश्मा सिंह जी। राखी बांधता हूं मैं उन्हें, और बदले में उन्होंने मेरी रक्षा की कसम खा रखी है। कोई मुझे जरा सा भी परेशान कर देना, अच्छा नहीं लगता उन्हें। अरे और पूरे उनके भोकाल के बारे में तो सारा शहर जानता ही है। अरे बात करवाता हूँ। अरे रुको, अरे क्या अरे सर ये तो घर वाली बात है सर, जब मर्जी ईएमआई दीजिए, जब मर्जी लोन चुकाइए, कोई टेंशन नहीं है सर। प्लीज सर, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। गुड डे सर। चलो अब यहाँ से। अरे रुका भैया रुका। अरे भैया कहाँ जल्दी है निकलने का? आवा बछुआ थोड़ा सा बचा लेते हैं। अरे भैया अभी तक बैठे हुए हो, उतरा नीचे उतर। कहा है कि तोहरा कन्वर्सेशन सुना वो रिकवरी ऑफिसर के साथ में, कहा गोली दिया है उसे करिश्मा सिंह के भोकाल के बारे में, कहा बे चंपक? बोल मनुज। सॉरी बोल मनु, सॉरी सॉरी बोल। अरे सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, गाड़ी में डाल इसको, ले चल करिश्मा सिंह के पास और उनको बता कि उसके नाम का क्या यूज, का मिस यूज कर रहा है। सर एक्चुअली वो रिकवरी एजेंट से बचने के लिए मैंने सर करिश्मा सिंह का नाम लिया, वरना सर मेरी गाड़ी चली जाती सर। प्लीज सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा मुफ्त में तो बुलबुल पांडे ने आज तक किसी को बद्दुआ भी नहीं दिया है, माफी कैसे देंगे हम? है घड़ी बहुत अच्छा लग रहा हाथ में, हमारा बेटा सिफारिश कर रहा था ऐसा घड़ी के बारे में। बेटा बेटा कब हो गया? अरे बोलना पड़ता है वरना ये देगा थोड़ी हमें। घूसखोर, हराम का माल देखा नहीं कि जवान कुत्ते सा बाहर, गिरा हुआ आदमी। ऐसा सर आप हमको कहते, अगर हम ही गिरी हुई हरकत करते तो? कमाल करते, ये लीजिए सर, ये घड़ी लीजिए आप। और सर मुझे मुझे जाने दीजिए सर प्लीज। अरे भैया हम तो छोड़ देंगे लेकिन हसीना मलिक नहीं छोड़ेगी। तोहरे अब्बा हुजूर आए हुए थे वहाँ महिला पुलिस थाने में, ब्लेंड लिखवाने तोहरे नाम का। क्या मुसीबत है यार। अब ये दुनिया में एक ही आदमी है जो तुमको बचा सकता है, उसका नाम है बुलबुल पांडे। उसके लिए जैसा हम बोलेंगे वैसा करना होगा बस। पर सर बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल बताइए सर। आओ आओ यहाँ आओ। देखो ऐसा है, सुपर आइडिया, ऐसा ही होगा सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। टीम सर, टीम टीम, थैंक यू सर। तो मैं जाऊँ सर? सर हम पूछ सकते हैं कि आपका इस प्लान से होगा क्या, आप चाहते क्या हैं? प्रतिशोध, बदला,
करिश्मा सिंह ने हमारा थाने में जो अपमान किया था ये उसका जवाब होगा। पहले सोचा था कि हसीना मलिक और करिश्मा सिंह को अलग कर देना काफी होगा, जोड़ी टूट जाएगी, थाना बंद हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि ये काफी नहीं। तो अब जंग होगी, करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के बीच में जंग, और ऐसी जंग जिसकी गूंज लोग सदियों तक सुनेंगे। लोगों ने दोस्ती की मिसाल तो देखी होगी, लेकिन दुश्मनी की ऐसी मिसाल ना देखी होगी ना सुनी होगी। इन दोनों में से कोई भी हारे, जीत हमारी होगी। क्या लगता है आपको इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि एसआई करिश्मा सिंह एसएचओ हसीना मलिक के हाथों की कठपुतली हैं? भाई दुनिया जानती है कि एसआई करिश्मा सिंह कितनी बेसब्र ऑफिसर है। मारपीट के अलावा उन्हें कुछ आता कहाँ है? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मदद चाहिए?